अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 9th अक्टूबर 2024 एंड इट इज़ वेनसडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 85,669, तकरीबन 5 पॉइंट मार्केट आई पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो 86,451 का हाई लगाया और 85,444 का मार्केट ने लो लगाया। 349.287 मिलियन शेयर का काम देखा गया। वॉल्यूम कदर बेहतर आज देखेंगे और इंडेक्स जो है तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर इंडेक्स ने आज भी जो है वो अपना ब्रेक किया। आज की मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट तकरीबन 12 बजे तक तो काफ़ी बुलिश थी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक, हपको, PTC, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, कोहिनूर स्पिनिंग, PRL, FCSE, सिनर्जी और PIA, HCLA जो है वो शामिल है। ये इसी तरह जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी जो है डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है और ये काफ़ी रिस्की साइन भी जो है वो मौजूद है। अगर कल के दिन जो है मार्केट ख़ास तौर पर 84,000 या आने वाले दिनों में ही 84,800 से नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो फिर काफ़ी नीचे भी मार्केट आ सकती है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं वन बाय वन उधर आता हूँ। और ख़ास तौर पर आज यूट्यूब पर भी सवाल है, इंशाल्लाह वो भी लूँगा। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं कि कैन वी बाय WTL, क्या WTL जो है हम ले सकते हैं? जी बिल्कुल सर, WTL जो है करंट रेट पर लिया जा सकता है जब तक ये स्टॉक जो है ये देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये लेवल है इसको लेने के 1.30 रुपये से नीचे नीचे या 1.20 रुपये या इससे नीचे, तो इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है आप नहीं ले सकते। ये नीचे MACD भी मैंने खोला हुआ है, इसके आप देखें कि WTL बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है लेकिन हिस्टोग्राम इसका ऊपर जा रहा है, कदरे डाइवर्जेंस नज़र आ रही है जो कि ऊपर जाने का एक साइन है। ये इसी तरह सिनर्जी जो है इसको लिया जा सकता है, सिनर्जी भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो बेहतर है। अगर आपने ब्रेकआउट का इंतजार करना है तो 4.20 रुपये से ऊपर आने दे तब ले लें इसको। ये FCSE का आपने पूछा, FCSE को बिल्कुल सर इसको भी लिया जा सकता है करंट रेट पर, ये अपनी सपोर्ट पर जो है ये तकरीबन आ चुका है। ये जैसे हमें नज़र भी आ रहा है कि ये तकरीबन अपनी सपोर्ट पर आ गया। अब जब तक ये स्टॉक तकरीबन 2.20 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। ये जी नेक्स्ट जो है इमरान साहब है अबू धाबी से, आपने कहा आगा स्टील आपने लिया हुआ है 10.89 का। सर फिलहाल तो 3 कैंडल इसकी अच्छी जा रही है ना, तो अब जब तक 10.60 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक इसको पकड़ी रखें। शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 13 रुपये से लेकर 15 रुपये तक। ये इसी तरह FABL का आपने पूछा, आपकी बाइंग है 21.23 रुपये की। जी तो बिल्कुल सर फिलहाल ये भी बहुत अच्छा जा रहा है, आपने अच्छे रेट पर इसको ले लिया था और अभी ये स्टॉक मुसलसल अप ट्रेंड में ही जो है वो जा रही है। ये 3 दिन इसकी भी कैंडल बहुत अच्छी बनी है। इसका जो स्टॉप लॉस है तकरीबन 47.20 का इसका स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको होल्ड कर सकते हैं और साथ साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ही रखें। ये इसी तरह BIPL का आपने पूछा, 48.73 रुपये का आपने लिया हुआ है। बैंक इस्लामी फ़िलहाल तो सर ये आपके रेट से काफ़ी नीचे है ना, तो इसको आने दें आपके रेट पर, तो फिर पूछेगा कि क्या कर रहे हैं, इतने लॉस में तो नहीं आप बेच सकते। ये जी आज़िम नाज साहब है कि आपने भी सिनर्जी का पूछा, इसका फ्यूचर क्या, आपने 4.70 रुपये का लिया हुआ है। सर फ्यूचर तो बहुत अच्छा है इसका लेकिन फ़िलहाल जो है ऐसे लगता है कि इसको टाइम लगेगा ये जो आपका सिनर्जी है ये, तो जब तक सिनर्जी कम अज़ कम 4.20 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक ये डल ही रहेगा। ये आज के दिन जो है यूट्यूब से भी कुछ सवाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो आपके सवाल ख़त्म हो गए, थोड़े से सवाल थे तो मैंने सोचा यहाँ से भी सवाल लिए जाइए। जी यहाँ पर पहला मैसेज आया बेस्ट एनालिसिस का शुक्रिया। सेकंड जो है अभी आमिर साहब की तरफ से यूसुफ वेविंग का बता दें, 6.5 रुपये की बाइंग है। यूसुफ वेविंग सर फिलहाल यहाँ पर टाइम लगाएगा तकरीबन जो है 4 रुपये से लेकर 4.50 रुपये तक इसको टाइम लगना है, जब इससे बाहर आएगा तो फिर ही चलेगा ये।
आज जमाल हैदर साहब कह रहे हैं कि गाइड अपलोड डब्ल्यू टी एल आपकी 2 रुपये 25 पैसे की बाइक है, डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस, शुड आई स्विच सर, फिलहाल स्विच करने का अभी नहीं है चांस, बेहतर ये कि आप इसके अंदर और ऐड करें 1 रुपये 20 पैसे ऐसे नीचे नीचे और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है पैसे तो जो है वो पड़ा रहने चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा क्या कोसम के बारे में, कोसम 10 रुपये 50 पैसे की बाइंग है और पूछने वाले हैं जी रिजवान साहब ये जी सर फिलहाल कोसम यहाँ पर जो है बस किसी भी टाइम निकल जाएगा, आप इसको होल्ड करके रखें, ये 9 रुपये 18 पैसे का ब्रेकआउट है और ये निकलने वाला है ये स्टॉक बाइड तो आपके रेट पर आ ही जाएगा ये। महबूब शाह साहब है टी आर जी टच 68 तो फिर सर टच किया तो क्या करें इसका ये क्या ये पूछ रहे कि टच करेगा ये नहीं करेगा सर, फिलहाल इसको बहुत टाइम है ये, फिलहाल टी आर जी बिल्कुल मरा हुआ ये। महबूब शाह अच्छा ये फिर लिखा हुआ 48 का बिल्कुल 48 ये अभी तो फिलहाल लेने वाला नहीं है ये। कुरान इन्फॉर्मेशन से है कि कल भी बताया था वीडियो पिक्सल नज़र नहीं आ रही, सर इसको गौर से देखें कोई अपने वीडियो क्वालिटी इस पर यूट्यूब में ऑप्शन होती है ना एच डी क्वालिटी में देखें तो ठीक नज़र आएगी ये। नबील दार साहब कह रहे हैं अटक रिफाइनरी का बता रहे जी अटक रिफाइनरी ATRL फ़िलहाल लेना चाह रहे हैं तो ना लें, फ़िलहाल अभी दूर ही रहे इससे बेहतर है ये, जब ये 344 से ऊपर आए तब लेने का सोचें या 250 से नीचे आए तो तब दोबारा पूछें ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है रिजवान साहब कोसम का बता चुका हूँ ये। नेक्स्ट सवाल जो है EPS का EPS कहते हो तो बेस्ट है, हेलो सर EPS इसका समझ नहीं आया क्या आप पूछ रहे हैं जी DSIL की प्रॉफिट टेकिंग बता दें, ये भी कोई काजी साहब है हमारे, आपने बताया नहीं है कि किस रेट पर लिया हुआ है ये, अब फिलहाल पड़ा रहने दें सर इसको बेचने में जल्दी ना करें, 4 पे 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और जब जू जू ऊपर जाता जाए स्टॉप लॉस भी साथ ट्रेल करते जाए और ये मुसलसल आप ट्रेंड में ही जा रही है तो बेहतर ये कि फ़िलहाल इसको बेचें ना आप। नेक्स्ट जो है आफ्ताब साहब है कह रहे हैं काइंडली सजेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म सर साथ कनेक्ट हो जाए मेरे तो इंशाल्लाह जो भी अच्छे स्टॉक होंगे आपको मैं पर्सनल गाइड करूँगा फिर। जी रिजवान साहब ने फिर पूछा कोसम, नेक्स्ट वाला शाहजहाँ साहब है काइंडली एडवाइस अबाउट WTL का बता चुका हूँ, PIA सर बेहतर है, अगर PIA आपको आने वाले दिनों में ये जो इसकी होल्डिंग कंपनी है ये स्टॉक अगर आपको मिलता है तकरीबन 15 रुपये से लेकर 17 रुपये के दरमियान तो ये बेहतर है ये, फ़िलहाल तो ये निकल गया, करंट रेट पर अगर लेना चाहते हैं तो कम अज़ कम 16 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखें आप इसका ये। जी नतीउल्ला साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह 700 व्लॉग पूरे हो गए, जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, तो तकरीबन 6 दिन पहले 5 दिन पहले तक तो मैंने आपके मैसेज ले लिए ये। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंग्रेचुलेशन के मैसेज भी है, कोसम का पूछा गया, ऑर्गेनिक मीट का भी पूछा किसी ने कि क्यों नीचे आ रही है TOMCL, सर सेलिंग आ रही होगी फिलहाल, बस ये ऊपर चला ना यहाँ से देखे ना ये ब्रेकआउट था इसका 24 रुपये का, फिर इसने हाई लगाया 47 का, अब उसी की करेक्शन कर रही है, होगी ये प्राइस वाइज अभी यहाँ पर ये टाइम लगाएगा तो टाइम वाइज करेक्शन चलेगी, प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं अब करेगा सिर्फ टाइम गुजारेगा ये पर। ये सुहाशु साहब है कि GAL लिया हुआ है 355 का, GAL में सर फिलहाल बहुत टाइम लगना है, ये 176 से लेकर 239 के दरमियान जो है ये टाइम लगाएगा ये, तो थोड़ा सा आपको सब्र ही करना पड़ेगा इसमें ये। जी मज़र साहब कह रहे हैं, जी फुरकान साहब कह रहे हैं पोल का भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखना, पोल रख सकते हैं सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पोल बहुत अच्छा स्टॉक है ये, लेकिन लें तब इसको जब ये आ जाए तकरीबन 550 रुपये से नीचे नीचे तब इसको लें तो ज़्यादा बेहतर है ये। जी आगे पूछ रहे हैं साबिर साहब का साहब शिफा हॉस्पिटल किस रेट में बाय करना चाहिए, जी शिफा शिफा जो है सर अगर ये आ जाए तकरीबन 150 रुपये के राउंड अबाउट तो बहुत बेहतर है, करंट रेट पर भी आप ले सकते हैं ये मुसलसल आप ट्रेंड में ही है, अगर करंट रेट पर आपने लेना है तो कम अज़ कम जो है आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 180 रुपये का ही। जी नेक्स्ट जो है कोसम का फिर पूछा गया, WTL का पूछा वो बता चुका हूँ, इसके अलावा जो है कमरान साहब ने पूछा सिमेट्री की बाइंग के बारे में, सिमेट्री और रखें सर अभी सिमेट्री फिर चलना शुरू हो गया, अभी रिसेंटली फिर इसने ब्रेकआउट दिया अपना तकरीबन 9 रुपये 63 10 रुपये 50 पैसे का ये, तो जब तक 10 रुपये 50 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक तो और भी अच्छा है, अभी ये कैंडल इसकी 3 अच्छी बनी है, वॉल्यूम इसका फिर बन तो 4 पैसे और भी जो है ये देख के जाएगा ये, तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।